Please subscribe my channel The Bomb Techniques Masala and press the bell icon for latest update video from this channel. It doesn't make us strong, it doesn't make us weak. Video is powered by funny and life boy heart ki le karo na umliyon ko kone kone se saaf karo na dono haathon ko dono or se kiso na life boy karo na bimari ko roko na. So what's up lovely friends, ki hal chal, sab badhiya hai na? To badhiya hi rehna aur nahi badhiya hai to badhiya rehne ka koshish karna. So aaj hai 28 March 2020. So चारों तरफ जहाँ टीवी खोलूँ वहाँ पर करोना, रेडियो खोलूँ वहाँ पर करोना, इंटरनेट के दुनिया में वहाँ पर भी करोना. तो आज आज आप लोगों के साथ करोना वायरस जो है उसके ऊपर कुछ बातचीत करना है. सो ये एक वायरस है, जैसे नॉर्मल जो फ्लू वगैरह होता है वो उसी तरह एक वायरस है. बट इसके खासियत है कि कोश के बाहर भी बहुत देर तक जिंदा रह सकता है ये वायरस. तो खतरा इसी पे है. यह वायरस कपड़े पे या कोई कठिन वस्तु पे बहुत समय तक तकरीबन 12 से 13 घंटा जीवित रह सकता है ये वायरस. तो हम लोगों को प्रिकॉशन क्या लेना है कि बार बार बाहर से जब घूम के कुछ लेके आएंगे तो आकर घर में तुरंत ही हाथ साफ करना है साबुन से, और जिसके पास सैनिटाइजर है वो सैनिटाइज कर लीजिए हाथ को अल्कोहल वाले. ये ज़रूरी है कि वो अल्कोहल वाली हो सैनिटाइजर, नहीं तो कुछ काम नहीं करेगा. और हाँ, जो साबुन है 20 से 30 सेकेंड तक आप हाथ धोते जाइए. मोदी जी ने तो एक दिन का कर्फ्यू जारी किया था, उसमें बहुत सारे अच्छे रेस्पॉन्स आए. आप लोग एक में वीडियो बना चुका हो, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या ऊपर में जो आई बटन है उसमें भी देख सकते हैं. सो वो जो कर्फ्यू वाले दिन जो 5 बजे मोदी जी ने बोला था कि कुछ बजाना बेल वगैरह, वो बैल्कनी पे खड़ा होकर बाहर जाने को मना किया था, फिर भी बहुत लोग बाहर जाके रैली किया, बाइक पे रैली किया, मतलब हद कर दिया. ये सब नहीं करना चाहिए. बहुत सारे गैदरिंग हुआ तो उससे बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हुआ है, उस कारण वायरस फैल गया. अभी तो 21 दिन का पूरा लॉकडाउन कर रखा है इंडिया पे. तो बाहर इटली में या चाइना में वो तो ऑलरेडी लॉकडाउन होके पड़ा हुआ है. मतलब लॉकडाउन होने से लोग का मिलजुल कम होगा, सोशल डिस्टेंस बना रहेगा. सो आप ये लॉकडाउन मानिए, और जहाँ पर भी कुछ खरीदना जाते हो जैसे सब्जी रेशन, तो वहाँ पर लोगों से 1 मीटर तक डिस्टेंस बना रखिएगा, क्योंकि 1 मीटर डिस्टेंस से आपका जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी हद तक होता है. और हाँ, जब बाहर निकलोगे आप तब मास्क जो पाया जाता है अच्छी क्वालिटी वाला, वही पहनना. ये एक बहुत ही बड़ा जंग है हमारे देश के लिए. बहुत डॉक्टर मेरे फ्रेंड्स भी है, वो लोग अब तक घर नहीं आ सका क्योंकि उन्हें इलाज करना होगा, इलाज या परीक्षण करना होगा कि कोई मरीज के अंदर कोरोना वायरस है या नहीं. तो बहुत दिक्कत हो रहा है उन लोगों को. तो आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग घर में रहिए, घर के परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए. ऐसे ही तो नहीं मिल, ये बिजी लाइफ में नहीं मिलता है ये टाइम. बस जब टाइम मिल रहा है तो आप लोग नहीं कर रहे,
उसका यूज अब लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं, घर घर में रहिए, घर पे साथ घर घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और एंजॉय कीजिए, आपका जो हॉबी वगैरह है उसको इम्प्रूव कीजिए। हम लोगों के लिए डॉक्टर लोग, पुलिस लोग जो साफ सफाई करते हैं, उन लोगों ने अपने जान पर खेल कर हम लोगों के लिए सर्विस दे रहा है। तो कुछ डॉक्टर ने बोला है, अभी खुद ही सुन लीजिए। আমি ক্লারা, আমি রেসপিরেটরি নার্স। আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করলে তবেই আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারব। দয়া করে ঘরে থাকুন। আমি জুলিয়ান, রেসপিরেটরি কনসালট্যান্ট। আমাদের সামনে একটাই বিকল্প রয়েছে, যদি আপনি বাড়িতে থাকতে বেছে নেন তাহলে আপনি জীবনকে বেছে নিতে পারবেন। দয়া করে বাড়িতে থাকুন। আমি সিজার, আমি একজন রেসপিরেটরি কনসালটেন্ট। 35 বছর ধরে আমি চিকিৎসা করছি। বর্তমানে আমরা সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এই লড়াইয়ে জিততে হলে দয়া করে বাড়িতে থাকুন। আমি শিফল, আমি একজন রেসপিরেটরি ফিজিওথেরাপিস্ট। আমি জানি আমার বাচ্চারা কোথায় আছে, আপনার সন্তানরা কোথায়। তাদের বাড়িতে রাখুন, নিজে বাড়িতে থাকুন। আমি রোশানি, রেসপিরেটরি নার্স। ডাক্তার ও নার্সরা এখন অর্ধমৃত। আপনি পারেন আমাদের সুস্থভাবে বাঁচতে দিতে, আমাদের জীবন বাঁচাতে। দয়া করে বাড়িতে থাকুন। আমি আমরি, রেসপিরেটরি নার্স কনসালটেন্ট। হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছেন, এই পরিস্থিতিতে আপনার ভূমিকা পালন করুন, বাড়িতে থাকুন। আমার নাম তামা, আমি রেসপিরেটরি কনসালটেন্ট। এই সংকটের সময় দয়া করে বাড়িতে থাকুন, জীবন বাঁচান। आप लोग ज़्यादा ज़रूरी के बिना बाहर मत निकलिए, क्योंकि आप जब बाहर जाओगे कुछ लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, तो शायद उन लोगों में से एक का कोरोना वायरस हुआ है, तो आप लोग आप उनके कांटेक्ट में जा हाथ या मुंह में और बॉडी में एंटर कर सकते तो आप घर वालों से वो घर वालों तक वायरस कैरी करके ले जा रहे थे और घर वालों को भी मरीज बना रहे थे। ऐसा नहीं करना है। सो एक ही रिक्वेस्ट है, 21 दिन तक आप घर में रहिए। सरकार से और WHO साइड आप देख सकते हो, जो उन्होंने जो गाइडलाइन किया है, गाइडलाइन बोला है जो वो आप फॉलो कर सकते हो और कोरोना वायरस से बांच सकते हो। इतना ही कहना था और चलो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।